पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने जगदलपुर में पत्रकार वार्ता लेकर पेसा कानून की नियमावली को जानबूझकर कमजोर करने का आरोप लगाया है। शायद यही वजह है कि जिससे राज्य सरकार कटघरे में आ गई है। जगदलपुर के पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने अपने ही कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार पर पेसा कानून के नियमों में जानबूझकर ढिलाई बरतने का आरोप लगाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेताम ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पेसा कानून को लागू कराने नियम तो जरूर बना लिए हैं, लेकिन इस पर इंसाफ नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अरविंद की माने तो ग्राम सभा की संवैधानिक शक्तियों को जिला प्रशासन के सामने बौना बना दिया गया है। साथ ही भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभाओं की सहमति के प्रावधान को परामर्श तक सीमित किया गया है, जो अनुचित है। देंगे उसके बाद भी अगर सरकार कहेगी हम अडिग हैं तो फिर समाज में देखेंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे भाई क्या करना है। ऐसा थोड़ी कि नहीं है, पर अभी ये बहुत अर्ली होगा कुछ कहना कि समाज ये करेगी वो करेगी। हम जल्दीबाजी नहीं, हमें हम यानी समय सबको देंगे और चर्चा करके फिर हम कोशिश करेंगे, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे राजनीतिक दल हो, भैया हमको इसमें मदद करो।